हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु कश्यप। वेलकम टू माय वेरी न्यू एंड फ्रेश वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मस्ट हैव टॉप 5 एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है रेडियो गार्डन। अब ये एक वेरी यूनिक एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें से आप दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी रेडियो एफएम आप सुन सकते हैं। मतलब आप किसी भी देश के रेडियो चैनल को सुन सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि रेडियो चैनल तो आजकल कोई सुनता नहीं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ये है कि इससे आप, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी वो आती हैं इंफॉर्मेशंस जो कि हम लोग हमें टीवी पे नहीं दिखाई जाती। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, ये भी कई बार आकाशवाणी पे अपनी मन की बात करते हैं। अगर आपको उनकी मन की बात अच्छे से सुननी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं भारत में और भी दूसरे देशों की रेडियो चैनल सुन सकते हैं। जैसे कि ये आप एक देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। मैंने अभी खैर इसकी आवाज़ कम की हुई है, अगर आपको सुन सके तो ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर ब्राउज़र में ओपन होती है जो कि काम नहीं करते। इसलिए आप इसे डायरेक्ट जाकर उसमें डायरेक्ट आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि है सुपर हीरोज़ वॉलपेपर ऐप। अब ये ऐप मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग सुपर हीरोज़ के वॉलपेपर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भी अपना एक अच्छा वॉलपेपर लगा रखा है जो कि बहुत गुड लुकिंग है और जो देखने में बहुत कूल लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन भी दूसरों की स्क्रीन से कुछ अलग दिखाई दे, कुछ कूल लगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे कैटेगरीज मिलते हैं, एंटमैन, एमोलेड वॉलपेपर्स, एवेंजर्स, बेन, बैटमैन और भी बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों। तो आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका वगैरह है इसमें बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं, डेडपूल, डेथस्ट्रोक। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास स्नैपट्यूब। अब ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि अगर आपको कोई वीडियो YouTube पे अच्छी लगे तो आप उसे डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते। आपको उसकी लिंक वगैरह कॉपी करनी पड़ती है, किसी ऐप में पेस्ट करके आप करते हैं, लेकिन इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे Facebook जैसे, Instagram जैसे सोशल साइट से भी आप अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप इससे यूट्यूब से कैसे डायरेक्ट वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने YouTube पे जाएंगे और बस आपको किसी भी वीडियो पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं इस पे कर देता हूँ, और यहाँ पे बस आपको इसे शेयर करके, और ये आपको यहाँ पे स्नैपट्यूब मिल जाएगा, डाउनलोड विद स्नैपट्यूब। बस इतना सिंपल स्टेप और आपको इसकी डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आप इसे MP3, MP4, 360p, 480p, 720p, 1080p किसी में भी कर सकते हैं, जितना आपको लगे आपको करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ऐप है, मैंने बहुत इस्तेमाल की है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है ऐप। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मुझे अच्छी लगी वो है डॉक फॉर ड्रॉइड। अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। जब आप इसे पहली बार इंस्टॉल करके खोलेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे बोलेगा, एप्स विद यूसेज एसेस। तो आप इसे ऑन कर दीजिए और फिर इसे अलाउ कर दीजिए, फिर बैक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर एक
एक यहाँ पे आपको एक ब्लू सा ये दिखाई देगा, इससे आप क्या कर सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम इसके कुछ वो कर लेते हैं सेटिंग्स। तो इसकी पोजीशन हम थोड़ी ऊपर कर देंगे और इसकी विड्थ थोड़ी हम कम कर देंगे। अब ये जो है इससे आप एक ऐप से, जैसे अगर आप एक ऐप चला रहे हैं और फिर आपको कोई दूसरी ऐप तुरंत खोलनी है तो आप बैक करेंगे और फिर उसे ढूंढेंगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके जो भी ऐप आपको चलानी है तुरंत यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डायरेक्ट यूट्यूब चलाना चाहूँ तो बस मुझे यूट्यूब पे जाना होगा और बस इसे रिलीज़ कर दीजिए और ये यूट्यूब मेरा खोल देगा जो कि मैं अभी वीडियो देख रहा था। ये भी ऐप मुझे काफ़ी अच्छी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कैनवा। अब इस एप्लीकेशंस को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे तो तब भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए अलग अलग तरह के कॉलाज पोस्टर और यूट्यूब के थंबनेल्स और यूट्यूब के कवर आर्ट जैसी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये यूट्यूब के थंबनेल का ऑप्शन है। आपको इसमें थाउजेंड्स ऑफ टैम्पलेट फ्री में मिल जाते हैं। कुछ पेड होते हैं, आप मेरे हिसाब से आपको फ्री इस्तेमाल करने चाहिए जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए, इस ऐप को आई विल रिकमेंड इट, बहुत अच्छी ऐप है। मैंने आज आपको ये 5 ऐप्स बताई जो कि बहुत यूज़फुल थी और मेरे हिसाब से आपको ये ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।